मेरे पति रात 9 बजे ऑफिस से घर आए। मैंने आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलती रही। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई, मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तो मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से मनोज का एक्सीडेंट हुआ है। मैं जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि मनोज उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उठो मनोज, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूँ। मैं मनोज के हाथ पैर चूमने लगी, मुझे छोड़कर ना जाओ, उठ जाओ। लेकिन मनोज कैसे उठता, उसे तो मेरी बद्दुआ और मेरी नहुसत मेरे कर्बे लहजे ने मार दिया था। मनोज के जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नजर आने लगे, मुझे रिश्ते बदलते दिखने लगे, मेरे सब अपने मुंह से मुंह मोड़ने लगे, दुनिया के लोग मुझे गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में मुझे मेरा घर छीन लिया गया, जो हिस्सा मेरा बनता था मेरे ससुराल वाले ने मुझे दे दिया। मनोज के मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है।